अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? ये एक मैसेज है गोट फार्म के रिलेटेड ही है। देखो भाइयों, आप लोगों ने किसी के यहाँ पर बकरे पलाई पे रखे, कोई फार्म पे रखे या कोई पर्सनल बंदे के पास रखे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप वो फार्म वाले को पैसा ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि भाई उनके पास भी स्टाफ है, उनके पास भी लोग हैं, उनके पास भी फीड के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जिनके पास ज़्यादा तादाद में बकरे उनको तो और दिक्कत आएगी, स्टाफ ज़्यादा है उनको और दिक्कत आएगी। तो एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप उनके, अगर आपके पास है तो ये कोरोना वायरस का बहाना करके पैसे रुका के ना रखें, वो उनको दे, क्योंकि उनको अभी ज़रूरत है वो चीज़ की। और फार्म वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाई, अगर सही में किसी के पास जेन्युइन रीज़न है तो आप उनको फोर्स ना करें, उनको एक फैसिलिटी दे, एक राहत दे, क्या नहीं है चलो जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो आप नेक्स्ट मंथ दे दो पैसे। और आप सोचते रहेंगे भाई ये मेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मेरे पास 50-60 बकरे ही है पलाई पे, फार्म पे जो सेमी ओपन है फार्म, और मेरे कस्टमर है वो सब बाहर के हैं, तो उनके बकरे हैं, हाँ एक का दुक्का बकरे हैं जो लोकल वाले हैं, और जो मैक्सिमम बकरे हैं जो बाहर के हैं तो उन्होंने साल भर की पलाई मेरे को एक साथ में दे दी गई। तो ये मैं मैसेज मेरे फार्म वाले भाइयों के वो सोच के बना रहा हूँ, ताकि भाई उनको दिक्कत नहीं आए आगे, उनके स्टाफ को दिक्कत नहीं आई, उनको भी सैलरी देना है, उनको भी फीड अरेंज करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि भाई पलाई का पैसा, आपके पास पैसा है तो बराबर दे दो। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने मम्मी अब्बा का फर्मा बदा बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। और वन मोर थिंग, किसी का पेट काट के अपना पेट भरने की कोशिश कभी नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।